फ्रेंड क्या हाल चाल रहा है? ठीक ठाक है, हम तब सब कह रही होंगे। चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड कबूतर के सेटअप से। कबूतर के हम सेटअप में मैंने पते डाल दिए हैं रैपर्स को। रैपर्स आराम से खाना खाना शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं आप। तो उसका रैपर्स को देख सकते हैं आप, खाना खा रहे हैं आराम से। तो देखिए कबूतर के पास ना दाना है ना ये देखे पानी है, उनके पास दाना पानी दोनों डालना है हमने। तो इनके पास ना दाना है ना पानी है, इसी तरह का ना मुर्गों के पास ना दाना है। वो देखो पानी की कैन पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं परात खाली पड़ी हुई है। तो हम उससे डालने से पहले हम उसका चेक कर लेते खाना। ये मुर्गी मैंने बाहर छोड़ी हुई है दाना, वो बचोरी देख सकते हैं जो उस पर कबूतर बैठा हुआ है। ये कबूतर बैठा हुआ है इस पर, इसके अंदर कबूतर मुर्गी होती है, अंदर बाहर है। बत्तखों को भी मैंने खाना खिला दिया, खाना खाना खा के स्कूल से आके बैठ गई है अपने जगह पे। तो ये देखिए कबूतर भी अपने जगह पे अपने अंडे पे बैठे हुए हैं, वो भी बैठी गई और माशाल्लाह से वो भी बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे के सेट पे अंडे अंडे आएंगे, ये देखिए ये भी बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम देखते हैं दानों को, वो देखिए वो भी बैठा हुआ है आराम से। तो अब हम ऐसे करते हैं परिंदों का दाना देख लेते हैं, जैसे कि अपने तोतों का और चिड़ियों का। तोतों का दाना है, तोतों का दाना तो अल्लाह का शुक्र है पूरा। ये वाले तोते का भी दाना और पानी दोनों पूरा, इधर भी पानी खाली रखा है तो पूरा होगा, इधर भी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये भी दाना है और पानी भी सही है, इधर भी है और इधर भी है पानी और दाना। तो देख सकते हैं दाना पूरा है। तो हम ऐसा करते हैं फालतू कटोरी निकाल लेते हैं इधर से भी, निकाल के अंदर रख देते हैं। ये हमारा स्टोव जो है छोटा सा, इसमें रख देते हैं फालतू कटोरी। ये वाली भी निकाल लेते हैं, इसके अंदर से भी फालतू कटोरी निकल गई और ये इधर रख दी है। तो अब रह गई है दाने की बारी, दाना भी हम डालते हैं। इससे पहले ये देख रहे थे इसका पटरा किधर गया, वो पटरा में कहाँ गया इसका पटरा देखते हैं। चले मैं देख के ये कर लेता हूँ और चले चलते हैं हम यहाँ से। तो दाना डालते पहले दाना निकाल ली, दाना डाल दिया, ये सारे परिंदे आ गए हैं दाना खाने। ये देख सकते हैं आप, ये देखते हैं दाना खाने आ चुके हैं परिंदे। तो हमारा दाना तो डल चुका है, रह गया पानी। पानी ले आते हैं अपने देते और उनको रख देते हैं पानी भी। चलो पानी भी लेके आते, चलो पानी मैंने रख दिया, ये देख सकते हैं पानी पीने भी आ गए। ऐसे हो गए थे तो दाना पानी रखा, पानी पीने आ चुके हैं, ये देख सकते हैं ये अपना खाना खा रहे। चले अब इनको छोड़ते हैं हाल पे और चलते हैं हम अपने उधर वाले सेटअप की तरफ। चले अब चलते हैं, चलो मैं इधर आ गया हूँ। ये देख सकते हैं मैंने पते डाल दिए इनको, ये देख सकते हैं पते डाल दिए, मैंने पते खाना शुरू कर दिए थे क्योंकि ज़्यादा भूखे हो गए। इन्होंने अपने तरह पते लिया, ये देखे एक एक पैरिंग उन्होंने पकड़ ली, बाकी वो देखे और रैबिट्स के पते डाले वो उधर से खींची जा रही है, उनके भी डाले हैं। तो ये मुर्गे ने भी खा लिए और उन्होंने भी खा लिए पते। तो अब ऐसा है कि चले अब ये तो वो हो गया, अच्छा हो गया। चले अब इनको ना क्या कहते हैं दाना भी डाल देते हैं, क्योंकि वह इनके पास दाना नहीं है, इनके पास दाना नहीं है, दाना डाल देते हैं और पानी भी रख देते हैं इनको। चले इनको दाना डालते हैं, बिस्मिल्लाह डाले थे एक जो मैंने ढकी हुई है इसको, बिस्मिल्लाह दाना डल गया। इनके लिए पानी लेके आना, पानी नहीं है इनके पास तो पानी लेके आते हैं, यहाँ पर करते हैं।
चले पानी तो आ चुका है, पानी और दाना इनके पास आ गया, पत्ते भी डाल दिए, उन चारों को भी पत्ते डाल दिए और दाना भी डाल दिए। अब मुर्गी को मैंने उधर बंद करना है, चूजों वाली मुर्गी को उधर बंद करने को लेकर कबूतरों का सारा दाना खाने में पानी भी पी रहे, तो चूजों वाली मुर्गी को मैंने उधर बंद करना है, मुर्गों को बाहर निकालना है और फिर यहाँ का काम तो हो गया। चले मैं उधर मुर्गी को बंद करता हूँ, मुर्गी तो वो फिर गई है, वो वहाँ पर घुसी हुई है, वहाँ से फिर नजर ना आई, उधर को उधर घुसी हुई उधर फिरती है, चूजे उधर फिर गए, तो अब इनको चूजी वो देखे निकल आई वहाँ, अब इनको वहाँ पे बंद कर दो पकड़ के और चलते हैं नीचे वाले सेटअप की तरफ। नीचे वाले परिंदों को अपने सोनू और मोनू को भी फीड करानी है, और देखो सोनू हमारा माशाल्लाह से ट्रेन हो गया, बड़ा प्यारा लग रहा है, इंशाल्लाह बड़ा मेरे पास ट्रेन हो जाएगा इंशाल्लाह। और चले मैं अब नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, पहले वो मैं मुर्गी को तो बंद करके जाऊँगा, मुर्गी को बंद कर दिया, चले हम नीचे चलते हैं अपने नीचे वाले सेटअप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बड़ी अफसोस हुआ मैं काफ़ी देर बाद आपकी वीडियो बनाई है, देख सकते हैं मेरा ये सन कनोर मेरा प्यारा सा तोता चला गया, बड़े अफसोस हुआ मुझे, कल तक जो मेरे पास था आज चला गया, देख सकते हैं आप इनको मैंने फीड भी नहीं कराई अभी तक, मुझे अफसोस हो रहा है इसका, क्या कर सकता हूँ या अल्लाह, सन क्रोर चला गया मेरा, सन्नू चला गया बेटा मेरा, सन्नू बेटा मेरा चला गया, बड़ा अफसोस हुआ है। चलो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं, मैं ज़्यादा वीडियो तोतो को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है, तो चले आप मुझे दीजिएगा ज़्यादा दुआ, मुझे याद रखिएगा, मेरे परिंदों के लिए भी दुआ कर दीजिएगा, मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।